हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैकेट डिफेंस के अंदर दोस्तों हमारी यूट्यूब फैमिली के काफी सदस्यों की डिमांड थी कि हमें दो लाठी एक साथ घुमाना सीखना है तो आप लोगों की डिमांड पे आज हम सीखेंगे दो लाठियों को एक साथ चलाना सर के ऊपर और शरीर के चारों तरफ तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ की आज हम क्या चीज सीखने वाले है तो सबसे पहले हम स्पीड में देखेंगे तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं यही टेक्निक और ये टेक्निक हम पूरा आपको ए टू जेड बताने वाले है किस तरीके से इस लाठी को घुमाया जा सकता है तो यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है सबसे पहले दोनों लाठियों को हम इस तरीके से सेंटर में पकड़ेंगे लेकिन दोनों लाठिया एक साथ घुमाना इतना आसान नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले एक हाथ से सीखेंगे फिर हम सेकंड हाथ से सीखेंगे और दोनों को हम यहाँ पे मच करेंगे तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं अभी एक लाठी को हम रख रहे हैं साइड में तो अभी आप क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पे लाठी को पकड़ा है हमने सेंटर में इस तरीके से लाठी को सीधी रखना है उसके बाद में हम यहाँ पे ये लाठी जाएगी इस तरीके से पीछे और वापस उसी पोजीशन में आएगी ठीक है ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लाठी इस तरीके से जाएगी और ये पीछे से घूम के वापस आएगी ये फर्स्ट हो गया अब सेकंड में आपको क्या करना है लाठी का ऊपर वाला हिस्से को हम इधर डाउन करेंगे ठीक है अब लाठी इस तरीके से स्ट्रेट हो गई यहाँ पे वापस स्ट्रेट करेंगे और फिर यहां पर एक राउंड देके और ये उसी पोजिशन में लाएंगे जहां से हमने सेकेंड पोजिशन स्टार्ट करी फिर अगेन हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फिर ये वापस रिपीट करके उसी पोजीशन में लाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया है तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक राउंड ठीक है अगेन बता रहा हूं यहाँ पे ये लाठी हमारी गई पीछे ये वापस उसी पोजीशन में आई उसके बाद में यहां पे हमारा ये हाथ चेंज हुआ लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे ये फर्स्ट वाला जब हम हाथ घुमाएंगे उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा पेयर भी चेंज होगा ठीक है और जो पेड़ चेंज होते है इसको बोला जाता है पेतरे चलना तो हम आगे चीज को रिपीट करेंगे यहाँ पे हमारा ये हाथ आया फर्स्ट यहाँ पे हमारा ये पेतरे के साथ में ये सेकंड फिर यहाँ पे हमने इसको पीछे से घुमाया ये हो गया थर्ड और ये लाठी जब घूमेंगी तो इसके साथ हमारा जो आगे पेड़ आया था इसको हम लेंगे वापस और यहाँ पर ये लाठी को घुमाएंगे अब इसको हम कंटिन्यू घुमाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से और धीरे धीरे जो हमारी स्पीड है उसको हम पढ़ाते जाएंगे और देखिए जो पेड़ है हमारा वो पेड़ भी पेतरों के साथ चल रहा है और जब भी हम जगहों पे घुमाते हैं ना तो देखिए मेरा एक पेड़ एक ही जगह पे है जो एक पेड़ है हमारा वो हम इस तरीके से चेंज करेंगे ठीक है इसको बोला जाता है पेतरे चेंज करना पेतरे चलना अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो हम पेतरे चलने पे बना देंगे कि पेतरे सही तरीके से किस तरीके से चले जाते हैं ठीक है अगेन हम देखेंगे अभी देखिए यहाँ पे ये हमने घुमाया अब पैर पे भी गौर करिए पैर हमारा एक ही चल रहा है आगे पीछे बाकी एक पैर हमारा एक ही जगह पे तो ये हो जाता है दोस्तों लाठी को जगह पे घुमाना अभी दोस्तों हमने सीखा एक हाथ से लाठी घुमाना सेम चीज हम इस हाथ से रिपीट करेंगे तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको तो देखिये यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरीके से करना है यहाँ पे हमारी लाठी पीछे से घूम के जाएगी फिर ये उसी पोजिशन में जाएगी और याद रखिए पेड़ जो है वो हम एक ही चला रहे हैं इधर से घुमा रहे जब भी हम एक ही पैर चला रहे थे उस साइड से घुमा रहे थे जब भी हम एक ही पैर चला रहे थे उसका कारण ये है कि हमको लाठी एक ही जगह पे घुमाना है इसीलिए ठीक है तो देखिये यहां पर हमने घुमाया सेम वही पैर हमारा आगे पीछे जा रहा है फिर ये और वही चीज हम स्पीड में घुमाते जाएंगे मतलब जो चीज हमने उस हाथ से सीखी थी सेम वही चीज आपको इस हाथ से भी रिपीट करना है ये दोनों की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे तरीके से जब आप घुमा लोगे और स्पीड घुमाने लग जाओगे उसके बाद क्या करेंगे हम दोनों को मच करेंगे अब मच कैसे करेंगे वो देखिए तो यहाँ पर अभी मैंने देखो दोनों लाठी को एक साथ पकड़ा है अब लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीजें चेंज करेंगे जब दो लाठी एक साथ घूमती है तो कुछ टेक्निक में फेरबदल होता है वो हल्का सा होता है तो देखिए यहाँ पर ये लाठी हमारी गई और ये एक साथ लाठी हमारी चलेगी मतलब हम लाठी तो घुमा रहे हैं लेकिन दोनों लाठियों को एक साथ घुमा रहे ठीक है और इसीलिए मैंने आपको एक एक हाथ से सिखाया क्योंकि आपके हाथ चलने लग जाएंगे तो दो लाठी घुमाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ठीक है सिंपल और आसान तरीके से आप जो है वो दो लाठियों को एक साथ घुमा सकते हो और लाठी से डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके पेतरे सही तरीके से चल रहे हैं तो आपको लाठी बिल्कुल भी लगेगी नहीं ना ही आपको टकराएगी ना लगेगी इसके लिए आपको पेतरे सही तरीके से चलना पड़ेंगे बस इतना सही है तो दोस्तों इस तरीके से आप दोनों लाठियों को एक साथ घुमा सकते हो अभी मैं आपको फुल स्पीड में बताता हूं कि दोनों लाठी जब एक साथ घूमती है तो कितनी प्यारी लगती है तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने पेथरे चलना सिखाया है वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पेत्र किस तरीके से चले जाते हैं और पैथरे चलना आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो हम पेथरे चलने के ऊपर ही बनाएंगे की पेत्रे सही तरीके से कैसे चले जाते हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय